हेलो हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे आज हम। तो आप आज का सेशन शुरू करने से पहले बेटा आप मुझे बता दीजिए कि मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट मी क्लियर दैट माय ऑडियो और वीडियो इज क्लियर और नॉट। या यू ऑल क्लियर? चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई। स्वागत करता हूं आप सभी का बेटा, फिर से गुड मॉर्निंग करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी के लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई के यूट्यूब चैनल। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कैसे आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर अनलिमिटेड एक्सेस और रिकॉर्डेड वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं, और इनका लाभ उठाकर आप कैसे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, दैट टू फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, यस और नो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम अपना सेशन शुरू कर रहे हैं तो सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं। दिस इज ऑल अबाउट मी। आई एम एल्युमिनी ऑफ जेएमआई न्यू दिल्ली। आई एम 4 times गेट क्वालिफाइड एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। During these 3 years, I have taught more than 10,000 students all over the India in different coachings, in different colleges. कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हम ले रहे हैं? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आर डील्ड इन डिटेल ऑन द अनअकैडमी। अगर आपने अभी तक बेटा अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी से आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मेरी क्लासेज होती है अनअकैडमी की, स्पेशल क्लासेज जो मेरी फ्री होती है, वो सारी की सारी अनअकैडमी पे होती है। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे बेटा, तो जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तब भी आपकी सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ही होने वाली हैं। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आज बेटा हमारे 2 क्विजेज हैं। एक क्विज जो है शाम के 5 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और एक रात के 9 बजे है हमारे सॉइल मैकेनिक्स का। वो दोनों क्विजेस भी मैं अनअकैडमी की ऐप पर ही लूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा उसका जो है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर लूंगा, आप वहां जाकर एनरोल कर लेना। चलिए जरा क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं बेटा आपको। अगर किसी वजह से आप लाइव क्लासेस जो है किसी कारण से लाइव क्लासेस आप बेटा छूट जाती हैं आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती हैं, आप उसे जो है अनलिमिटेड एक्सेस लेकर जो है अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है उन रिकॉर्डेड क्लासेस को, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं। तीसरा क्या है कि हमारे टेस्ट और क्विजेज होते हैं अनअकैडमी की ऐप पर, जैसा कि हम आज 2 टेस्ट कंडक्ट करेंगे फॉर द एक्सीलेंस ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप एई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी स्टेट एई जे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे। फिर आप बोलेंगे सारी चीजें तो सारा मुझे फ्री में मिल रही है ना, यूट्यूब पर मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ, अनअकैडमी में भी फ्री में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की क्या जरूरत है। देखिए एक बात याद रखिए कि जितने भी कोर्सेज आपके जो है अनअकैडमी की ऐप पर हैं, जो हम फ्री क्लासेस में दे रहे हैं या फिर जो यूट्यूब के अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड सीई में है, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। किसी चैप्टर का कुछ टॉपिक आपका अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा सिलेबस चाहिए, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में चाहिए ताकि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि गेट भी पास है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी पास है, तो आप जो है हमारे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी का हम लोगों का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिलते हैं। ये बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनसे आप एजुकेशन ले सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे एजुकेटर्स हैं मेरी तरह, जिनसे आप टॉप एजुकेटर्स हैं जो जिनसे एजुकेशन ले सकते हैं। ये आपकी सारी ब्रांचेस हैं जिसमें आप गेट ईएससी की तैयारी कर सकते हैं। चलिए जरा अब हम बात करते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन, हर एक एग्जाम की जो फीस है वो अलग अलग है, लेकिन अगर मैं गेट और ईएससी की बात बताऊं तो अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो 1 साल की फीस है वो है बेटा 25,000। लेकिन अगर आप अपने सिद्दीकी सर का कोड यूज कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10%। कोड क्या यूज करना है? कैपिटल लेटर्स में, अपर केस लेटर्स में ES001, तब आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा 10% का, तो आपकी फीस हो जाएगी 22,500 रुपीज की।
इसी तरीके से बेटा अगर 24 मंथ्स मतलब अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर वाले भी अपडेट दे सकते हैं। तो अगर आप सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में और अगर आप बहुत अच्छे से गेट की तैयारी करना चाहते हैं, एक स्टैटिक तरीके से करना चाहते हैं, सिलेबस को आसानी से कंप्लीट करने के बाद, उसको अच्छे तरीके से कवर करने के बाद गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक अच्छी रैंक मतलब इवन टॉप करने की भी चाहत रखते हैं, तो आप 2 साल का कोर्स ले सकते हैं। 2 साल का जो कोर्स है वो आपका 30,000 रुपीज का है, और 30,000 रुपीज में अगर आप जो है मेरा 10% का कोड यूज कर देंगे ES001, तो आपको जो यही कोर्स पड़ जाएगा आपको बेटा 27,000 रुपीज का। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, ये बेटा कितने इकोनॉमिकल हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिकल ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट यहां पर आपको मिलता है। बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स जिनके आपने नाम सुने होंगे आज तक आपने जो है ऑफलाइन कोचिंग्स में जिनके नाम सुने होंगे, मैं ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाता था, वो सारे के सारे एजुकेटर्स इस समय जो है आपके अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में दिल्ली में पढ़ाते थे, कोटा में पढ़ाते थे, है ना, अलग अलग लोकेशंस में पढ़ाते थे, वो सारे के सारे आप ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो अनअकैडमी हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन इन होल ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री में अनअकैडमी ने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते थे, ऑप्शंस नहीं होते थे कि वो एक अच्छे एजुकेटर से, अपने मन चाहे एजुकेटर से पढ़ना चाहें। उन्होंने सुना कि एक कोई एक्स फैकल्टी है, एक एक्स एजुकेटर है जो दिल्ली में पढ़ाता है और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाता है, बहुत अच्छा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण, कुछ और रीजंस के कारण पेरेंट्स ने उसे वहां पर नहीं भेजा, तो वो बेचारा उससे पढ़ नहीं पाया, अपने चॉइस के टीचर से नहीं पढ़ पाया। लेकिन अनअकैडमी हैव क्रिएटेड, अनअकैडमी ने एक वो जो बैरियर क्रिएटेड था उस बैरियर को खत्म कर दिया है। अब आपका एक छोटे से छोटे गांव में भी बच्चा बैठा है तो, और उसके पास एक रैपिड इंटरनेट कनेक्शन ना हो भी हो, एक 2G कनेक्शन भी हो, तब भी अनअकैडमी के ऐप से वो जो है अपने बेस्ट जो आपके एजुकेटर से जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं उनसे एजुकेशन ले सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आपको ये बात समझनी होगी, आपको अपने कैरियर के लिए सीरियस होना पड़ेगा कि हमारी पैंडेमिक सिचुएशन है, ऑब्वियस ही बात है ये ऊपर वाले की तरफ से पैंडेमिक सिचुएशन आई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग निगेटिव होते हैं, कुछ लोग हमेशा जो है जो भी परिस्थिति होती है उसको ब्लेम करते हैं, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे, क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो जो इस समय कह रहे हैं कि सर पैंडेमिक है, पैंडेमिक में कैसे पढ़ें, सर मेरे नोट्स रह गए, सर मेरा ये रह गया, सर मेरा वो रह गया। सो दे दीज स्टूडेंट्स ऑलवेज गिव द एक्सक्यूजेज इन लाइफ, ये लोग हमेशा जिंदगी में एक्सक्यूज देते हैं, और जो लोग जिंदगी में छोटी छोटी बातों में एक्सक्यूज देते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, कोई कहेगा सर मेरे पास नोट्स नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाया, सर मेरे पास ये नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाया, ये जिंदगी में एक्सक्यूजेस होते हैं। और जो इंसान जो है कुछ करना चाहता है बेटा, वो इंसान जो है हर बुरी कंडीशंस में भी अच्छा कर लेता है। जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं गांव में रहने वाले, जो गांव में पहले बिजलियां नहीं आती थी, लेकिन वो लोग जो है जो हमारे पोल्स पर जो मतलब हेडलाइट्स लगी होती हैं उनके नीचे बैठ के पढ़ते थे। तो एक वो इंसान वो ये कह सकता है, एक दूसरा बच्चा ये कह सकता है कि मेरे घर बिजली नहीं आती थी इसलिए नहीं पढ़ा, और दूसरा बच्चा जो है हेडलाइट्स में पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो है लैंटर्न्स में पढ़ रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक्सक्यूजेस लेकर बच्चा विफल हो जाता है, और किस तरीके से जो कुछ भी है उस जो कुछ में किस तरीके से बच्चा उन अपॉर्चुनिटी जो मिली है उनमें लेकर सफल हो जाता है। तो अगर आपकी पैंडेमिक सिचुएशंस हैं, कोचिंग्स नहीं खुल रही हैं, तो आपके पास अनअकैडमी ने कितना प्यारा ऑप्शन दिया है, आप अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं। जितना आप तैयारी करेंगे अनअकैडमी से, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा कंटेंट वही है, टीचर्स वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, क्विज प्रैक्टिस हो रही है, तो आप अनअकैडमी से बेटा जितना ज्यादा कनेक्टेड होंगे उतना आपका फायदा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं है फायदा तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनअकैडमी इज गिविंग ए क्वालिटी एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया, तो आपको 100% फायदा होगा। बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इधर से उधर भागते हैं, लेकिन अगर आप एक ही जगह टिके रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आज की क्लास, आज के उसमें भी आइएगा आप टेस्ट में। तो देखिए हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमने कल तक जो हम नया चैप्टर शुरू किया था एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, उसमें हमने बताया था कि बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, उसके बाद हमने इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेजेस और इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी प्रोसेस होती है, इनको हम एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन या सब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो हमने उनमें से कई सारी प्रोसेस पढ़ ली थी। सबसे पहले सरफेस बॉडी से होने वाला इवेपोरेशन, फिर हमने प्लांट से होने वाला ट्रांसपायरेशन, फिर उसके आसपास की सॉइल से होने वाला इवेपोरेशन,
जिसको हम ट्रांसपायरेशन के साथ मिलकर पढ़ लेते हैं और उसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन। कैसे इवेपो ट्रांसपायरेशन हम निकालते हैं, इवेपो ट्रांसपायरेशन कितने तरीके का होता है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एक्चुअल इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन को बेनली क्रेडल इक्वेशन और पेनमान इक्वेशन से निकालते हैं, इसी तरीके से एक्चुअल इवेपो ट्रांसपायरेशन लेसी मीटर और फील्ड प्लॉट डेटा से हम निकालते हैं। ये सारी बातें हमने कल तक कर ली थी। आज हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इन्फिल्ट्रेशन, जिसमें गेट में भी सवाल आते हैं और हर जगह सवाल आते हैं, तो आज हम इन्फिल्ट्रेशन शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ और भी छोटे छोटे लॉसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बेटा इंटरसेप्शन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेप्शन, डिप्रेशन स्टोरेजेस एंड इन्फिल्ट्रेशन। जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो जहां पर हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करी थी, तो उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, तो वहां पर जब हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करी थी तो मैंने ये सारे टर्म्स को आपको बता दिया था। लेकिन अब क्या हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। चलिए जरा शुरू करते हैं हम इंटरसेप्शन से, और इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए। छोटे छोटे सवाल छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जनरली इस पर सवाल पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये शब्द पता होना चाहिए। क्या होता है इंटरसेप्शन, मैंने आपको बताया था कि जब आपका प्रेसिपिटेशन एटमॉस्फेयर से होता है, जब एटमॉस्फेयर से प्रेसिपिटेशन होता है तो होता क्या है कि सबसे पहले उस प्रेसिपिटेशन के ग्राउंड में आने से पहले कुछ पानी बिल्डिंग के रूफटॉप्स पर, पेड़ की स्टेम्स पर, पेड़ की पत्तियों पर, यहां पर कुछ समय के लिए रुक जाता है। दैट शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन का वो हिस्सा जो रूफ टॉप्स पर, जो वेजिटेशन पर, जो आपके पेवमेंट्स पर, जो आपके रोड्स पर कुछ समय के लिए रिटेन या रुकता है, उसी प्रेसिपिटेशन के हिस्से को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। फिर से बोल रहा हूं, मैंने कहा प्रेसिपिटेशन इज दैट पार्ट ऑफ, इंटरसेप्शन इज दैट पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन प्रेसिपिटेशन का वो हिस्सा होता है जो बहुत ही स्मॉल समय के लिए प्लांट्स की पत्तियों पर, प्लांट्स की स्टेम्स पर, बिल्डिंग्स के रूफटॉप्स पर, पेवमेंट्स पर रुकता है, उसी को हम इंटरसेप्शन कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्शन कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक जो है इन्फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप जो है एक्टिव रहिएगा इन्फिल्ट्रेशन तक। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरसेप्शन क्या, इट इज द पोर्शन ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन विच वाइल फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गेट इंटरसेप्टेड बाई द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग की सरफेस, चाहे आपकी रूफटॉप्स हो, चाहे साइड की सरफेस हो, है ना। जैसे अगर ये बिल्डिंग है तो आपकी बरसात हुई तो आपने देखा कुछ समय के लिए पानी इस साइड से भी रुक जाता है, कुछ समय रूफटॉप पे भी रुक जाता है, ये रोड्स हैं इन पे भी कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन दिन भर थोड़ी ना रहता है, कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये रोड का पानी गायब हो जाता है कहीं। इसी तरीके से ये प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की जो पत्तियां यहां पर रुक जाएगा, प्लांट्स की जो यहाँ स्टेम लगी हुई यहां पर पानी रुक जाएगा, तो ये जो प्रेसिपिटेशन का हिस्सा होता है जो कुछ समय के लिए इन सारी चीजों पर रुकता है, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन, और इनसे होने वाले लॉसेस को बोलते हैं इंटरसेप्शन लॉसेस। तो पढ़ लीजिए, इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गेट इंटरसेप्टेड बाई द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स, पेवमेंट्स, वेजिटेशन एटसेट्रा, यस और नो, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन। अब आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें किसकी, अगर वेजिटेशन से जो इंटरसेप्शन होता है उसको मेनली तीन कंपोनेंट्स में डिफाइन किया, मैं बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेजिटेशन के, वेजिटेशन से होने वाले इंटरसेप्शन को तीन मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जो कि एक छोटे छोटे नाम पूछता है वो। तो पहला नाम क्या है, इंटरसेप्शन लॉस। देखिए इंटरसेप्शन तो पूरी एक प्रोसेस है, पानी का रुकना है, उसमें भी एक इंटरसेप्शन लॉस को अलग कर दिया, थ्रो फ्लो को अलग कर दिया, स्टेम फ्लो को अलग कर दिया। तो मैंने कहा कि जो वेजिटेशन से इंटरसेप्शन हो रहा है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है, इंटरसेप्शन लॉस। देखो इंटरसेप्शन लॉस क्या है, मैंने कहा जो भी पानी इंटरसेप्ट हुआ है वेजिटल सरफेस पर वो क्या हो सकता है, वो जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती पर पानी रुका है, तो इस पत्ती से ही पानी जो है वापस एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। तो इंटरसेप्शन का वो हिस्सा जो कहीं पर रिटेन हुआ है और वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जमीन में जाए बिना, ग्राउंड सरफेस पे जाए बिना, वो डायरेक्टली इवेपोरेशन के प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसी को बोलते हैं इंटरसेप्शन लॉस। तो व्हाट इज इंटरसेप्शन लॉस, इट इज द वाटर व्हिच इज रिटेन्ड ऑन द वेजिटल सरफेस एंड लेटर
लेटर गेट इवेपोरेटेड टू द एटमोसफियर। ये वो पानी होता है जो प्रेसिपिटेशन का जो वेजिटल सरफेस पे थोड़े समय के लिए रुकता है और उसके बाद अल्टीमेटली एटमोसफियर में इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा चला जाता है। फिर आपका थ्रो स्टेम, नाम से ही पता लग रहा है, सॉरी थ्रो लीव, थ्रो फॉल। तो थ्रो फॉल में क्या होगा कि पानी जो आपका पत्तियों पर रुका है वो धीरे धीरे टप टप इस तरीके से गिर गिर के वो आपका इस तरीके से पानी अगर इवेपोरेट नहीं हुआ तो यहां पर ग्राउंड सरफेस है तो धीरे धीरे ये आपका टिप टिप करके ग्राउंड सरफेस पर आ जाएगा। तो इंटरसेप्शन का वो हिस्सा जो लीव्स पर रुककर अल्टीमेटली ग्राउंड सरफेस पर आ जाता है उसको बोलते हैं थ्रो फॉल। इसी तरीके से एक और होता है इंटरसेप्शन का तीसरा कंपोनेंट जिसको बोलते हैं स्टेम फॉल। स्टेम फॉल कुछ नहीं है, देखिए जरा स्टेम फॉल, ये ट्री है, इस ट्री का ये ट्रंक है, इसमें कई सारी क्या होंगी ब्रांचेस। तो यहां पर पानी आया ब्रांचेस पर, पानी ब्रांचेस से सरक सरक के कहां सारी ब्रांचेस सारी स्टेम्स का पानी सरक सरक के कहां पहुंचा, ट्रंक, और ट्रंक के सहारे ये अल्टीमेटली कहां चला गया, अल्टीमेटली ग्राउंड सरफेस में चला गया, अल्टीमेटली ग्राउंड ग्राउंड के अंदर चला गया। तो वो हिस्सा, वो इंटरसेप्शन का हिस्सा जो स्टेम से ब्रांचेस से होकर ट्रंक से होकर अगेन सॉइल के सरफेस में चला जाता है, इंटरसेप्शन के उस हिस्से को बोलते हैं हम स्टेम फॉल, उसको हम बोलते हैं स्टेम फॉल। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी बातें बेटा कि स्टेम फॉल क्या होता है, याद रखिएगा स्टेम फॉल क्या होता है, थ्रो फॉल क्या होता है, इंटरसेप्शन लॉस क्या होता है, और एक्चुअली में इंटरसेप्शन क्या होता है। अब आपके बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यस और नो बताइए जल्दी से कि आपको इंटरसेप्शन वाली बात समझ में आई नहीं आई कि इंटरसेप्शन क्या होता है। और अगर वेजिटेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो इंटरसेप्शन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन लॉस, ऐसा इंटरसेप्शन का पानी जो कुछ समय के लिए रुका कहीं पर और उसके बाद एटमोसफेयर में चला गया। दूसरा है थ्रो फॉल, ऐसा इंटरसेप्शन का पानी जो लीव्स पर थोड़े समय के लिए रुका और उसके बाद अल्टीमेटली टपक टपक के जो है ग्राउंड सरफेस पर आ गया। उसके बाद स्टेम फॉल, स्टेम फॉल वो इंटरसेप्शन का पानी है जो बेटा ब्रांचेस के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, जो है ट्रंक्स के थ्रू पास होता हुआ अल्टीमेटली ग्राउंड सरफेस में चला गया, उसी को बोलते हैं हम स्टेम फॉल। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, महेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, सत्येंद्र चौधरी गुड मॉर्निंग, अनुज यादव गुड मॉर्निंग, एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो दो तरीके की ट्रीज होती हैं, आपने दो तरीके की ट्रीज देखी होंगी अगर आपने कभी बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा हो या कभी आपने बचपन में साइंस पढ़ी हो तो दो तरीके के फॉरेस्ट पढ़े होंगे आपने, एक पढ़ा होगा कॉनिफरस फॉरेस्ट और एक आपने पढ़ा होगा डेसीडस फॉरेस्ट, दो तरीके के फॉरेस्ट पढ़े होंगे। तो इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं कॉनिफरस ट्रीज, और डेसीडस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होंगी उनको बोलेंगे हम डेसीडस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होंगी उनको बोलेंगे डेसीडस ट्रीज। तो कॉनिफरस ट्रीज जो होती है ना बेटा उनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी निडल शेप होती हैं, है ना, कॉनिफरस ट्रीज हैव, कॉनिफरस जो ट्रीज होती है इनकी जो लीव्स होती है निडल शेप्ड लीव्स होती है, इनकी जो लीव्स होती है याद रखिएगा कॉनिफरस ट्रीज की जो आपकी जो लीव्स होती है They have needle shaped leaves. इनकी जो leaves होती हैं needle shaped होती हैं, और needle shaped leaves होने के कारण जो आपका पानी intercept होता है या रुकता है इन leaves पर ज्यादा समय तक लिए रुकता है ना, ज्यादा amount भी रुकता है और ज्यादा समय के लिए रुकता है। इसलिए याद रखिएगा कि conifers trees में होने वाला interception loss, conifers trees में होने वाला interception loss डेसीडस ट्रीज से बहुत ज्यादा होता है, कॉनिफरस ट्रीज में होने वाला इंटरसेप्शन लॉस डेसीडस ट्रीज से बहुत ज्यादा होता है। ये नोट का एक पॉइंट है, इसको एज ए नॉलेज याद रखिएगा। दो तरीके की ट्रीज होती हैं, कॉनिफरस ट्रीज ऐसी ट्रीज होती हैं जिनकी लीव्स जो है निडल शेप्ड होती हैं, निडल शेप्ड लीव्स होने के कारण ये ज्यादा अमाउंट और ज्यादा देर तक पानी को अपने ऊपर रिटेन करके रखते हैं। इसीलिए कॉनिफरस ट्रीज विल शो लार्जर इंटरसेप्शन लॉस एज कंपेयर टू डेसीडस ट्रीज, कॉनिफर्स ट्रीज के हैं इनके लीव्स, हाँ ऑब्वियसली बात है इनके लीव्स जो है 12 मंथ भी रहते हैं और निडल शेप भी होते हैं, तो इस कारण से जो है कॉनिफरस और डेसीडस में तो पत्ते गिरते भी हैं, तो है ना, तो कॉनिफरस ट्रीज में पत्ते जो है लीव्स जो है काफी समय तक रहते हैं तो पानी जो है ज्यादा इंटरसेप्ट होता है। तो याद रखिएगा कॉनिफर्स ट्रीज शो लार्जर इंटरसेप्शन लॉस देन डेसीडस ट्रीज। आपको इंटरसेप्शन में बस इतनी बातें याद रखनी है, ना कोई न्यूमेरिकल आएगा ना कोई थ्योरेटिकल टॉपिक आएगा, जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक आ सकता था वो मैंने आपको बता दिया, ये छोटी छोटी दो तीन बातें याद रखिएगा। अब हम दूसरे छोटे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं,
दैट इज कॉल्ड एज, मेन मकसद हमारा इस लेक्चर का है इन्फिल्ट्रेशन पढ़ना, उसमें मजा आएगा। द सेकेंड टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो छोटा सा टॉपिक है ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का हिस्सा है, लेकिन क्या है बेटा, क्या है कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन का हिस्सा है, चाहे वो डिप्रेशन स्टोरेजेस हो चाहे वो इंटरसेप्शन हो, हम लोग जनरली एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशंस की बात करते हैं। एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशंस में हम एनालिसिस क्यों करते हैं, मतलब एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशन की एनालिसिस इसलिए करते हैं कि उस एक्सट्रीम रेनफॉल के कारण किसी भी एरिया में फ्लड आ सकता है। मैंने क्या बोला, हम एक्सट्रीम रेनफॉल कंडीशंस की एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सट्रीम रेन, थोड़ा बहुत रेनफॉल आएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर एक्सट्रीम रेनफॉल आया तो दैट विल लीड टू द जनरेशन ऑफ फ्लड्स, और अगर फ्लड्स आ गए तो ऑब्वियसली बात है इट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। तो इसीलिए हम एक्सट्रीम रेनफॉल की जब बात करेंगे तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, और जब रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा, उस केस में आपका रन ऑफ भी बहुत ज्यादा जनरेट होगा। तो रन ऑफ बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, तो इस रन ऑफ और इस इन्फिल्ट्रेशन की तुलना में ये जो इंटरसेप्शन है या जो डिप्रेशन स्टोरेजेस का जो पानी है वो बहुत नन्ना मुन्ना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेप्शन स्टोरेजेस और डिप्रेशन स्टोरेजेस को पानी को उस समय नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद समझ मारी, तो इसीलिए हम इसको इन डेप्थ में नहीं पढ़ते क्योंकि हम जनरली जो है हम स्टॉर्म, बहुत हाई स्टॉर्म की बात करते हैं, और हाई स्टॉर्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हाई स्टॉर्म लीड्स टू द जनरेशन ऑफ फ्लड्स, और जब हाई स्टॉर्म होगा तो उस केस में सरफेस रन ऑफ का अमाउंट भी बहुत जनरेट होगा, इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये इन्फिल्ट्रेशन और सरफेस रन ऑफ, छोटे छोटे जो आपके पत्तियों पर पानी रुका हुआ है, छोटे छोटे बिल्डिंग की सतह पर जो पानी अटका हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, या ऐसे बोलें कि डिप्रेशन स्टोरेजेस का पानी और इंटरसेप्शन स्टोरेज का पानी उनके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। तो ये भी हमने कल एक, हमने जब पहली क्लास में पढ़ाया था तो इसको भी हमने बता दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन स्टोरेजेस, नाम से ही पता लग रहा है। मैंने कहा ग्राउंड सरफेस में छोटे छोटे क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, ग्राउंड सरफेस में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो जो प्रिसिपिटेशन आ रही है वो धीरे धीरे पहले क्या करती है, इन छोटे छोटे गड्ढों में भरती है। तो प्रिसिपिटेशन का वो अमाउंट जो ग्राउंड में अवेलेबल छोटी छोटी नालियां, छोटे छोटे आपके डिचेस, उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। प्रिसिपिटेशन के उसी हिस्से को या रेनफॉल के उसी वॉल्यूम को हम लोग जो है डिप्रेशन स्टोरेजेस कहते हैं। सो व्हाट इज डिप्रेशन स्टोरेजेस, इट इज द वॉल्यूम ऑफ रेन विच गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द स्मॉल डिप्रेशन एंड द डिचेस अबव द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो भी हमारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे डिचेस होते हैं, छोटे छोटे आपके गड्ढे होते हैं, उसमें जो रेन का पानी जो कलेक्ट या एक्यूमुलेट होता है उसी को डिप्रेशन स्टोरेजेस कहते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि जो इन गड्ढों में पानी है ना, वो इन गड्ढों में पानी जो है वो तब तक सरफेस रन ऑफ नहीं होगा। इस सरफेस पे पानी बहेगा कब, थोड़ी सी प्रिसिपिटेशन हुआ, आधा गड्ढा भरा है अभी, तो क्या ये जो डिप्रेशन स्टोरेज में पानी जो स्टोर हुआ है वो सरफेस रन ऑफ जनरेट कर पाएगा, नहीं जनरेट कर पाएगा। ये सरफेस रन ऑफ तब जनरेट कर पाएगा जब ये पूरे के पूरे गड्ढे का पानी, जो कि इसकी कैपेसिटी है, जब इस पूरे का पूरा डिप्रेशन स्टोरेज भर जाएगा। मतलब कोई भी डिप्रेशन, कोई भी गड्ढा, कोई भी डिचेस जब अपनी कैपेसिटी को क्या कर देगा, जब अपनी कैपेसिटी को फुलफिल कर देगा, उसके बाद पानी जो है अगर और प्रिसिपिटेशन हुआ तो वो पानी जो है वो ऑब्वियसली बात है यहां तक भर गया, अब और थोड़ी ना भरेगा। उसके बाद पानी जो है सरफेस रन ऑफ की फॉर्म में बहना शुरू हो जाएगा। तो क्या लिख रहा है, कह रहा था रेनफॉल हेल्ड इन दिस डिप्रेशन, इन डिप्रेशन में रुकने वाली रेन डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द सरफेस रन ऑफ अनलेस दीज आर फिल्ड अबव देयर कैपेसिटी। जब तक ये सारे डिप्रेशन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं भरते तब तक इनके कारण कोई भी सरफेस रन ऑफ जनरेट नहीं होता है। अब आपने देखा होगा गड्ढे में अगर पानी है तो अगर ये गड्ढे में बरसात का पानी रुका है तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि ये पानी जो है गड्ढे में से गायब हो गया। ऐसा क्यों होता है कि ये जो डिप्रेशन स्टोरेजेस का पानी है या तो वो इवेपोरेट हो जाता है या फिर वो इन्फिल्ट्रेट होकर डायरेक्टली जो है ग्राउंड के अंदर चला जाता है ना। तो दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज आइदर गेट इवेपोरेटेड, ये पानी जो है या तो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर इट विल गेट इंटरसेप्टेड। तो आप देख रहे हैं कि ये होता है आपका इस डिप्रेशन स्टोरेज, और पीछे हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्शन। तो ये जो इंटरसेप्शन लॉस था और जो डिप्रेशन लॉस था, इन दोनों लॉसेस को ही हम बोलते हैं ऐसे लॉसेस जो इनिशियल में हुए हैं, इन लॉसेस को बोलते हैं हम इनिशियल लॉसेस। तो याद रखिएगा, इफ समवन विल आस्क
व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल लॉसेस, तो इंटरसेप्शन लॉसेस प्लस डिप्रेशन लॉसेस कंबाइंडली कॉल्ड एज इनिशियल लॉसेस. इंटरसेप्शन लॉसेस एंड डिप्रेशन लॉसेस आर कॉल्ड एज, डिप्रेशन लॉसेस आर कॉल्ड एज इनिशियल लॉसेस. तो दिस इज ऑल अबाउट टू टर्म्स. इनकी वजह से अमाउंट ज्यादा लॉस नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. फर्स्ट इज इंटरसेप्शन, नाम याद रखना, काम याद रखना. द सेकंड इज कॉल्ड एज डिप्रेशन स्टोरेजेस, नाम याद रखना, काम याद रखना. इनिशियल लॉसेस क्या होते हैं इसके बारे में याद रखना. दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन स्टोरेजेस एंड इंटरसेप्शन. आज की हम क्लास जो है हमारे, जिसके लिए हम ये क्लास कर रहे हैं उसके लिए वो टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन. तो देखिए, इन्फिल्ट्रेशन तो आपको पहले से पता ही होगा. इन्फिल्ट्रेशन तो आपको पहले से क्या है, इन्फिल्ट्रेशन तो आपको मैंने पहले चैप्टर में बता ही दिया है कि जब भी ये अगर फॉर एग्जांपल ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो सॉइल की कुछ ना कुछ परमेबिलिटी होती है. सॉइल एक पोरस मटेरियल है, सॉइल में वॉइड्स होते हैं. सॉइल में क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं. तो सॉइल अपनी परमेबिलिटी के कारण जो भी सरफेस पर रेनफॉल आ रहा है उस रेनफॉल को एब्जॉर्ब कर लेती है. जो भी सरफेस पर रेनफॉल आ रहा है उस रेनफॉल को अपनी परमेबिलिटी के कारण एब्जॉर्ब कर लेती है. और जिस प्रोसेस के कारण सॉइल की सरफेस आने वाले प्रेसिपिटेशन को, जिस प्रोसेस के कारण प्रेसिपिटेशन को सॉइल की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम बेटा इन्फिल्ट्रेशन. उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इन्फिल्ट्रेशन. तो व्हाट इज मीन बाय इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन इज बेसिकली द एब्जॉर्बिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेन वाटर बाई द सॉइल सरफेस. याद रखिएगा, शब्द लिख रहा हूं सॉइल सरफेस, तो सॉइल सरफेस के द्वारा प्रेसिपिटेशन को सॉइल सरफेस पे एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस को ही हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन एंड परकोलेशन. तो ये भी मैंने पहले चैप्टर में बता दिया कि इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन में डिफरेंस क्या होता है. इन्फिल्ट्रेशन इज द फिनोमिना, इन्फिल्ट्रेशन इज बेसिकली ए सरफेस फिनोमिना, जो कहां पर हो रहा है, सरफेस से पानी का सॉइल में एब्जॉर्ब होना is called as infiltration. Or what is percolation? Percolation is basically the deep movement of water. ये जो पानी infiltrate हुआ है ना, ये पानी जो है soil के एक zone से दूसरे zone में जाएगा और ये पानी ultimately ग्राउंड वाटर रिजर्वायर को मिल जाएगा. तो वो प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में पानी सॉइल के एक जोन से दूसरे जोन में जाते हुए अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर रिजर्वायर को मिल जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं परकुलेशन. तो परकुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन में सिमिलैरिटी क्या है, परकुलेशन और इन्फिल्ट्रेशन में सिमिलैरिटी यह है कि ये दोनों ही वर्टिकल होते हैं. ये दोनों क्या होते हैं, इनका जो फ्लो की डायरेक्शन है वो होती है वर्टिकल. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन एक सरफेस फिनोमिना है, पानी जो है सॉइल के थ्रू सरफेस के द्वारा एब्सॉर्ब होगा या सरफेस के द्वारा एंटर होगा, उसको बोलेंगे इन्फिल्ट्रेशन. लेकिन परकुलेशन को जनरली हमने कनेक्ट किया है पानी का ग्राउंड वाटर टेबल से मिलना. परकुलेशन, इफ द वाटर विच इज सीपिंग थ्रू द सॉइल, इफ द वाटर इज सीपिंग थ्रू द सॉइल फ्रॉम वन सॉइल जोन टू अनदर सॉइल जोन, फ्रॉम वन सॉइल जोन टू अनदर सॉइल जोन, और वो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर टेबल से जाके मिल रहा है, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर टेबल से जाकर मिलेगा, तो हम बोलेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज परकुलेशन. तो परकुलेशन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर. सॉइल, पानी का सॉइल के एक जोन से दूसरे जोन से फ्लो करता हुआ ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में जाना ही परकुलेशन कहलाता. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन एंड परकुलेशन. ये बात समझ में आई नहीं आई, This is the difference between infiltration and percolation. This is the difference between infiltration and percolation. तो ये बात आपको समझ में आई, what is the difference between infiltration and percolation? Percolation is basically associated with the flow of water which reaches to the groundwater reservoir, and infiltration is basically the flow of water through the soil surface. ये आपको समझ में आया. आप समझो जरा, अगर for example, देखो एक बात समझिएगा, for small storm, अगर मेरा storm कैसा है, अगर small storm का मतलब बारिश जो है थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन उस बारिश के अंदर क्या थी, उस बारिश के अंदर थोड़ी बहुत तो बारिश हुई,
लेकिन उस बारिश के अंदर सरफेस रन ऑफ, लेकिन उस बारिश के अंदर सरफेस रन ऑफ जनरेट करने की कैपेबिलिटी थी। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि बारिश हुई और उस बारिश के अंदर सरफेस रन ऑफ जनरेट करने की कैपेसिटी थी, चाहे थोड़ा ही सरफेस रन ऑफ ही क्यों ना जनरेट हुआ, लेकिन उस स्टॉर्म के अंदर सरफेस रन ऑफ जनरेट करने की कैपेसिटी थी। तो अगर हम वॉटर बजट इक्वेशन लिखें, हम लिखें कि बताओ भाई साहब, हम आपसे पूछें कि बताओ कि लॉसेस कितने हुए, एब्स्ट्रैक्शन कितने हुए, तो आप बोलोगे कि रेनफॉल हुआ या प्रेसिपिटेशन हुआ। उस रेनफॉल का कुछ हिस्सा सरफेस रन ऑफ में कन्वर्ट हुआ, तो अगर आपने रेनफॉल में से रन ऑफ को माइनस कर दिया तो क्या होंगे? लॉसेस होंगे। किस किस के कारण लॉसेस होंगे? सबसे पहला लॉस जो होगा वो इंटरसेप्शन के कारण होगा, दूसरा लॉस किसके कारण होगा? वो इवेपोट्रांसपायरेशन के कारण होगा, तीसरा लॉस किसके कारण होगा? डिप्रेशन स्टोरेजेस के कारण होगा, और चौथा लॉस किसके कारण होगा? इसको मैं इंटरसेप्शन को मान लेता हूं I1, और चौथा लॉस होगा आपका इन्फिल्ट्रेशन के कारण, चौथा लॉस होगा इन्फिल्ट्रेशन। तो अगर हम पूछें कि भाई साहब जो लॉसेस या एब्स्ट्रैक्शंस हुए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो आप बोलोगे एक रेनफॉल हुई, स्मॉल मैग्नीट्यूड की एक रेनफॉल हुई, उस रेनफॉल ने कुछ ना कुछ रन ऑफ जनरेट किया, जैसे रेनफॉल हुई फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर की और उसने रन ऑफ जनरेट किया फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, तो हम पूछें भाई साहब लॉसेस कितने हुए, हम पूछें भाई साहब बताइए लॉसेस कितने हुए, तो आप बोलोगे लॉसेस हो जाएंगे रेनफॉल माइनस रन ऑफ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसमें कुछ इंटरसेप्शन के कारण होगा, कुछ इवेपोट्रांसपायरेशन के कारण होगा, कुछ डिप्रेशन स्टोरेजेस के कारण होगा, और कुछ किसके कारण होगा? इनफिल्ट्रेशन के कारण होगा। और इन चारों में सबसे ज्यादा जो लॉस होंगे वो किसके कारण होंगे? इनफिल्ट्रेशन के कारण जो लॉसेस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। यस और नो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये स्मॉल स्टॉर्म के लिए जो लॉसेस होंगे वो इंटरसेप्शन के कारण भी होंगे, इवेपोट्रांसपायरेशन के कारण भी होंगे, डिप्रेशन स्टोरेजेस के कारण भी होंगे, और इनफिल्ट्रेशन के कारण भी होंगे। और इन सारे लॉसेस में सबसे ज्यादा जो अमाउंट होगा वो होगा आपका किसके लिए? वो होगा आपका जो है इनफिल्ट्रेशन के लिए। और एक और बात सुनो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका स्टॉर्म है वो आपका बिग स्टॉर्म है, बहुत बड़ा स्टॉर्म मतलब बहुत दबा के बहुत धुआंधार बारिश हुई। जब बहुत धुआंधार बारिश होगी तो जो सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा वो क्या होगा? वो सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा जनरेट होगा। और उस केस में जब बहुत देर तक बारिश हुई, बहुत धुआंधार बारिश हुई, तो ऑब्वियसली बात है जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ होगा पानी का सॉइल के सरफेस के थ्रू ग्राउंड में जाना, वो भी क्या हुआ होगा? बहुत लार्ज हुआ होगा। यस और नो? अरे गड्ढे तो उतने ही बड़े हैं, अरे सॉइल के अंदर जो गड्ढे हैं वो तो उतने ही बड़े हैं, छोटी बारिश हो या बड़ी बारिश हो, है ना, इसी तरीके से पेड़ पौधे तो वही हैं। तो इस सरफेस रन ऑफ और इस इन्फिल्ट्रेशन के रेस्पेक्ट में जो आपके डिप्रेशन स्टोरेजेस का अमाउंट होगा, जो आपके डिप्रेशन स्टोरेजेस का अमाउंट होगा, जो इवेपोट्रांसपायरेशन का अमाउंट होगा, और जो आपका इंटरसेप्शन का अमाउंट होगा, वो क्या बहुत बहुत ज्यादा होगा क्या? अगर 10 सेंटीमीटर जनरेट हुआ रन ऑफ, या फिर इन्फिल्ट्रेशन फॉर एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये डिप्रेशन स्टोरेजेस इवेपोट्रांसपायरेशन होगा, ये फॉर एग्जाम्पल जो है लगभग 0.1% ही होगा, बहुत कम पानी रिटेन होता है बेटा इन सारे में। तो अगर स्टॉर्म बहुत बड़ा है तो उस केस में सरफेस रन ऑफ भी बहुत ज्यादा होगा, इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, सरफेस रन ऑफ जो है, आपका इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? इंटरसेप्शन, इवेपोट्रांसपायरेशन और ये डिप्रेशन स्टोरेजेस, इनको हम लोग क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। इन सारे लॉसेस को हम लोग क्या कर देते हैं? जब बिग स्टॉर्म है तो बिग स्टॉर्म के लिए मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल जितना रेनफॉल हुआ, बिग स्टॉर्म के लिए मैं लिख सकता हूं टोटल जितना रेनफॉल हुआ माइनस रन ऑफ विल बी इक्वल टू किसके बराबर? अगर एक बिग स्टॉर्म है तो याद रखिएगा तीन प्रोसेस बड़ी बड़ी होंगी, एक तो सरफेस रन ऑफ, एक प्रेसिपिटेशन। तो अगर आपका बड़ा रेनफॉल है, तो इन्फिल्ट्रेशन बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इफ द रेनफॉल इज वेरी बिग, बिग रेनफॉल का मतलब कि उसके पास कैपेबिलिटी है फ्लड को जनरेट करने की, तो उस केस में अगर आपको जो है ये पता लगाना है कि बेटा, अगर आपको ये पता लगाना है कि कितना सरफेस रन ऑफ जनरेट हुआ, तो किसी तरीके से अगर आप इन्फिल्ट्रेशन निकाल लें,
रेनफॉल आपको पता होगा, तो आप रेनफॉल में से इन्फिल्ट्रेशन को माइनस कर देंगे तो आप बता देंगे इतना रन ऑफ जनरेट हुआ। जैसे 20 सेंटीमीटर रन ऑफ जनरेट हुआ, कितने एरिया पे हुआ, 100 हेक्टेयर में हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका स्ट्रीम या रिवर में आने वाला है ना। अगर ये रेनफॉल जो है 10 घंटे तक हुई है तो आपको डिस्चार्ज का पता चल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन को निकालकर हम जो है किसी भी कैचमेंट से होने वाले रन ऑफ का भी आइडिया लगा सकते हैं। यस और नो? तो याद रखिएगा, जब स्टॉर्म बड़ा होगा तो हम ये नन्हे मुन्नी चीजें इनको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम ये बोलते हैं जो लॉसेस हो रहे हैं वो केवल और केवल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ही हो रहे हैं। लॉसेस क्या हो रहे हैं, केवल और केवल इन्फिल्ट्रेशन की वजह से ही हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए बेटा आप इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इन्फिल्ट्रेशन का उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो बच्चों को समझ में नहीं आता। तो पढ़िए जरा, पहला पॉइंट क्या लिखा है, इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है थ्रू विच द प्रेसिपिटेशन मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द सॉइल सरफेस। शब्द याद रखना, सॉइल सरफेस, इन्फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसके कारण प्रेसिपिटेशन का हिस्सा नीचे की तरफ जाता है थ्रू द सॉइल सरफेस। फिर दूसरी बात क्या लिखी है, अगर पानी इन्फिल्ट्रेट होगा सॉइल के सरफेस के थ्रू पानी नीचे जाएगा तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, जो प्लांट्स को जो सॉइल मॉइस्चर चाहिए वो सॉइल मॉइस्चर को इनहेंस करेगा। पहले सॉइल ड्राई थी, उसके बाद जैसे ही पानी आएगा तो कुछ पानी तो ग्रेविटी एक्शंस के कारण नीचे चला जाएगा, वो अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में जाएगा और ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में एक्वीफर को रिचार्ज कर देगा। लेकिन कुछ पानी कैपिलरी एक्शंस के कारण, क्या होगा बेटा, सॉइल के अंदर रुक जाएगा और वही जो है सॉइल के मॉइस्चर को एनहेंस करेगा और प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए उसी मॉइस्चर को जो है आपका यूज करती हैं। तो कहते हैं ना, बारिश हो गई तो अब ग्रोथ अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि अब प्लांट्स को जो सॉइल मॉइस्चर चाहिए वो आपको मिल गया। तो इन्फिल्ट्रेशन क्या करता है, इट रेप्लेनिशेस द सॉइल मॉइस्चर, रिचार्ज करता है एक्वीफर्स को, एक्वीफर आप जानते होंगे, एंड अल्टीमेटली सपोर्ट्स द ड्राई वेदर फ्लो। आपको अगर याद आता हो ड्राई वेदर फ्लो, तो ड्राई वेदर फ्लो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ऐसा स्ट्रीम में आने वाला फ्लो जिसको हम बेस फ्लो भी कह रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर बारिश नहीं हो रही है, अगर देखो हमने पढ़ा था ना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अगर बारिश नहीं हो रही है तो यहां पर सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा, सरफेस रन ऑफ बिल्कुल भी जनरेट होने वाला नहीं है। लेकिन बारिश नहीं भी हो रही है उसके बाद भी इस स्ट्रीम में ग्राउंड वाटर सीपेज के कारण जो मिल रहा है, इस स्ट्रीम में ग्राउंड वाटर सीपेज के कारण मिल रहा है, उस ग्राउंड वाटर फ्लो को बोलते हैं बेस फ्लो, और उस बेस फ्लो को ड्राई वेदर फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि ये वो पानी है जो किसी भी रिवर किसी भी स्ट्रीम में तब भी मिल रहा है जब जो है आपके सराउंडिंग में कोई भी बारिश नहीं हो रही है। तो बेटा जितना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा ऑब्वियसली बात है, जब सूखे का समय आएगा, जब ड्राई वेदर फ्लो होगा, जब बारिश नहीं होगी, तो उस समय आपको उतना ही ज्यादा बेस फ्लो या ड्राई वेदर फ्लो मिलेगा। तो इन्फिल्ट्रेशन तीन काम करता है, ये सॉइल मॉइस्चर को एनहेंस करेगा, दूसरा काम एक्वीफर को रिचार्ज करेगा, या फिर अल्टीमेटली ड्राई वेदर फ्लो को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर स्मॉल स्टॉर्म है, ध्यान से देखिए, स्मॉल स्टॉर्म है लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है क्या जनरेट करने की, रन ऑफ जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, तो उस केस में इन्फिल्ट्रेशन प्लस इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस डिप्रेशन स्टोरेजेस प्लस इंटरसेप्शन किसके बराबर होगा, रन ऑफ माइनस रेनफॉल माइनस रन ऑफ। तो अगर आपने इन्फिल्ट्रेशन निकाल लिया, जो कि आज हम पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे, इवेपोट्रांसपिरेशन निकालने के तरीके पढ़ लिए, डिप्रेशन स्टोरेजेस आप नाप लेना बहुत कम होता है, इंटरसेप्शन की वैल्यू अगर आपने किसी तरीके से नोट कर ली, जो कि बहुत नेग्लिजिबल होती है, जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और रेनफॉल आपको पता ही है, तो आपको ये पता चल जाएगा स्ट्रीम में कितना रन ऑफ जाने वाला है। इसी तरीके से इन केस ऑफ मेजर स्टॉर्म, अगर स्टॉर्म मेजर है, बिग है, विच इज कैपेबल ऑफ फ्लड, जिसके अंदर फ्लड को जनरेट करने की कैपेबिलिटी है, तो द लॉसेज ड्यू टू इवेपोट्रांसपिरेशन इंटरसेप्शन एंड डिप्रेशन स्टोरेजेस इज लेस एज कंपेयर टू इन्फिल्ट्रेशन, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हम इसको क्या कर देते हैं, सो कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस केस में अगर इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, इसको खत्म, तो इन्फिल्ट्रेशन विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रेनफॉल माइनस रन ऑफ। तो अगर आपको रन ऑफ पता है, रेनफॉल पता है, तो इन्फिल्ट्रेशन निकाल लोगे, अगर आपको इन्फिल्ट्रेशन पता है, रेनफॉल पता है, तो रन ऑफ निकाल लोगे, अगर आपको इन्फिल्ट्रेशन और रन ऑफ पता है, तो आप रेनफॉल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये याद रखिएगा, जनरली मैंने कहा हम मेजर स्टॉर्म की एनालिसिस लिए करते हैं, क्योंकि मेजर स्टॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ फ्लड्स,
और फ्लड एक बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रीम केस है, और अगर फ्लड आ गया तो दैट विल लीड टू द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड द लॉस ऑफ द लाइव्स। इसीलिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे, इसीलिए जब भी फ्लड्स आएंगे या फ्लड्स की कंडीशन एक्वायर होगी तो उस समय अपनी हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज करेंगे। उस समय जो छोटे छोटे बच्चे हैं, डिप्रेशन, स्टोरेजेस, इंटरसेप्शन, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। उस समय इंपॉर्टेंट होगा हमारा इन्फिल्ट्रेशन। समझ आ रही बात? इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, समझ आ रही बात? यहां तक बात समझ में आई? अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा यहां से। ये सारी बातें तो आपको पहले से पता थी, अब मुझे बताइए कि यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, ताकि हम आगे बढ़े। यहां से बात जो है थोड़ा दिमाग वाली शुरू होती है। जल्दी से बताइए बेटा, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है भाई, सर कह रहे हैं ध्यान से देखिए, हम पढ़ने वाले हैं बेटा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ध्यान सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। देखो किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। आसान शब्दों में बोलें तो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। देखो किसी भी टाइम पर बारिश हुई, जैसे ये सॉइल है, ये मेरी सॉइल है, ये सॉइल का सरफेस है, और यहां पर बारिश हुई, यहां पर प्रेसिपिटेशन हुआ इस सॉइल के ऊपर। ध्यान सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा किसी भी टाइम पर जैसे ही बारिश होगी तो ऑब्वियसली बात है यहां पर पानी क्या करेगा, इन्फिल्ट्रेट करेगा। यहां पर पानी क्या करेगा, इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करेगा थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस इन्फिल्ट्रेशन की रेट क्या होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द वॉटर इज एब्सॉर्बिंग बाय द सॉइल सरफेस। किस मैक्सिमम रेट से प्रेसिपिटेशन का पानी सॉइल सरफेस एब्सॉर्ब कर रही है, मतलब किसी भी समय पर प्रेसिपिटेशन का पानी सॉइल सरफेस जिस मैक्सिमम रेट से एब्सॉर्ब करती है उसी मैक्सिमम रेट को बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन रेट। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम रेट। ये वो मैक्सिमम रेट है जिस रेट से कोई भी सॉइल सरफेस प्रेसिपिटेशन के पानी को एब्सॉर्ब करती है उसी को बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यस और नो? तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट एट विच द वॉटर इज एब्सॉर्ब्ड बाई द सॉइल सरफेस एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है ना बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन, ये जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो बेटा इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है। ध्यान सुनिएगा, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ रेनफॉल। मैंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हर एक लोकेशन में अलग अलग होगी। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में अगर सेम इंटेंसिटी की बारिश हो रही है और यूपी में एक जगह सेम इंटेंसिटी की बारिश हो रही है तो दोनों जगह जो है आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सेम होगा क्या? नहीं, दोनों जगह इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अलग अलग होगा। अगर हम T=0 पर ही बात कर लें तो दोनों ही केस में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है क्या? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो मैक्सिमम रेट है जिस रेट से प्रेसिपिटेशन का पानी सॉइल सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, और ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है। देखो जब T=0 की बात करेंगे तो उस समय सॉइल सूखी थी क्या? सॉइल के वॉइड्स में पानी नहीं था, सिर्फ हवा थी। तो जैसे ही T=0 की बात करेंगे तो उस समय जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, पानी दन दनादन तेजी से बहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय चालू होगा, जैसे ही समय बढ़ेगा वैसे वैसे सॉइल के वॉइड सेचुरेट होना चालू होते जाएंगे, सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा सॉइल की परमेबिलिटी घटेगी। आपने पढ़ा होगा बेटा जितना डिग्री ऑफ सेचुरेशन कम होता है सॉइल की परमेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा सॉइल की परमेबिलिटी घटेगी, और सॉइल की जब परमेबिलिटी घटेगी
तो ऑब्वियसली बात है वो मैक्सिमम रेट जिस रेट से पानी सॉइल एब्जॉर्ब करेगा सॉइल सरफेस से वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ आ रही बात? तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है वो बेटा लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है और वो समय के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब जैसे ही बारिश हुई उस समय देखेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, बहुत तेजी से पानी दंदरा इन्फिल्ट्रेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय चालू होगा, जैसे जैसे समय चालू होगा, सॉइल सैचुरेट होती जाएगी, सॉइल की परमेबिलिटी कम होती जाएगी। सॉइल की परमेबिलिटी अगर कम होती जाएगी तो वो मैक्सिमम रेट जिस रेट से सॉइल पानी को सतह से एब्जॉर्ब कर रही है वो डिक्रीज होती जाएगी। यस और नो? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या बोल रहे हैं कि मैंने ये तो समझ में आया इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती है, लेकिन किस तरीके से वो डिक्रीज होती है? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है बेटा उसका वेरिएशन समय के साथ जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है? विद द टाइम द वेरिएशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंशियली जो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीज होती है। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाना चाहूं तो देखिए ग्राफिकली इसका कैसे, ग्राफिकली आप इसको कैसे समझ सकते हैं। इधर मैंने फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सेस ली, इधर मैंने एक्स एक्सेस ली, और वाई एक्सेस पे मैंने ले लिया इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। वाई एक्सेस पे ले लिया क्या? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ सी। अगर हम पूछे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी तो आप बोलोगे जो यूनिट आपकी जो है रेनफॉल की वैसे यूनिट लेंगे कि एक घंटे में कितना सेंटीमीटर ऑफ पानी इन्फिल्ट्रेट कर गया। और इधर ले लिया मैंने टाइम, इधर ले लिया मैंने टाइम। तो अगर हम देखें कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी समय के साथ किस तरीके से डिक्रीज करती है तो आप देखेंगे जब टी इज इक्वल टू जीरो, जब हम बात करेंगे कहां पर टी इज इक्वल टू जीरो पर, तो सॉइल होगी ड्राई, उस समय इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिलेगी मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे बारिश समय चालू होता जाएगा, बारिश होती जाएगी, वैसे वैसे ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होगी, वैसे वैसे ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीज होगी। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये कर्व हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। एक समय ऐसा आएगा जब ये कर्व हो जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल। मतलब हॉरिजॉन्टल कब हुआ? मतलब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या हो गई, अब एक कांस्टेंट रेट से पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है। और वो पॉसिबल कब होगा? वो पॉसिबल कब होगा? जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन होगा। जब डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन हो जाएगा तो जो मैक्सिमम रेट जिस रेट से सॉइल पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये जो वेरिएशन है जिस रेट, जिस वेरिएशन से ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, इसी वेरिएशन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। कि ये जो वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे। मैंने कहा कि ध्यान सुनिए, मैंने कहा जैसे ध्यान सुनिए मैंने कहा ये मेरी सॉइल है, तो ये सॉइल से अगर आप पानी छान रहे हैं, यहां पर पानी डाला, तो पानी फॉर एग्जाम्पल आपने डाला, ध्यान सुनिएगा, मैंने पानी डाला फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर पर आवर से। किस रेट से पानी डाल रहा हूं इस पे? 2 सेंटीमीटर पर आवर से डाल रहा हूं। और मैं अगर इसकी बोलूं कि मैक्सिमम रेट इसकी कितनी है, मैं पूछूं इसकी मैक्सिमम रेट कितनी है, तो मैं बोलूंगा इसकी जो सॉइल की मैक्सिमम रेट है वो है 10 सेंटीमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में ये 10 सेंटीमीटर पानी को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। लेकिन बाहर से जो बारिश आ रही है, जो पानी बाहर से आ रहा है, उसकी रेट कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये किस रेट से इन्फिल्ट्रेट करेगी, तो आप बोलोगे इसकी मैक्सिमम रेट तो 10 है, लेकिन ये जो पानी आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर आवर से आ रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो याद रखिएगा बेटा तीनों चीजें अलग हैं। एक है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कि पानी जो बरस रहा है वो किस तेजी से बरस रहा है। एक है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, कि पानी एक्चुअल कंडीशंस में किस रेट से आपका जो है इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। और एक है आपका एफसी, एक है आपका क्या एफसी। एफसी क्या है? ये वो मैक्सिमम रेट है जिस मैक्सिमम रेट से पानी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। तो तीनों बातें अलग अलग हैं। रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन अलग चीज है और आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी अलग चीज है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बेसिकली रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ही है, बट इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर बारिश अगर 20 सेंटीमीटर पर आवर की हो गई, तो पानी की इंटेंसिटी, रेनफॉल की इंटेंसिटी है 20 सेंटीमीटर पर आवर। लेकिन जब पानी यहां पर इन्फिल्ट्रेट करेगा वो मैक्सिमम कितने से कर सकता है?
वो मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर पर आवर से ही कर सकता है। तो इस केस में जब 20 सेंटीमीटर पर आवर से बारिश होगी तो उस केस में जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा कि पानी किस रेट से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वो होगा 10 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि इससे ज्यादा रेट से आपका पानी इन्फिल्ट्रेट कर ही नहीं सकता। तो दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है एक्चुअल कंडीशंस में इन्फिल्ट्रेशन किस रेट से हो रहा है, और आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब क्या है, इट इज द मैक्सिमम रेट, ये वो मैक्सिमम रेट है जिस मैक्सिमम रेट से कोई भी सॉइल किसी भी समय पर पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। वो आगे बात करेंगे हम वसु पंडिता आगे बात करेंगे। तो एक तो हो गया रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन और एक हो गया इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन विच एट विच द वॉटर इज एब्सॉर्ब बाई द सॉइल सर्फेस। और ये जो मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का जो वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे देखेंगे तो मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज मैक्सिमम, और जब आपका सॉइल सेचुरेट हो जाएगा पूरी तरीके से तो जो मैक्सिमम रेट होगा इन्फिल्ट्रेशन का वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेचुरेटेड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो आई होप आपको ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी समझ में आई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, बार बार आप क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बार बार आप देखेंगे। एक एक पॉइंट को मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने सिंबल भी दे दिया, इसको मैंने सिंबल दिया FC, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन को दिया F और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को दिया I। चलिए जरा अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, वो कौन कौन से कारक हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो इन्फिल्ट्रेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। मैं मानता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ आई इज द, चलो पहले टॉपिक ही लिख देता हूं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, उसमें हम लोग जो है पहला फैक्टर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेनफॉल करेक्टरिस्टिक्स। पहला फैक्टर ध्यान सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, द फर्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इन्फिल्ट्रेशन इज द रेनफॉल करेक्टरिस्टिक्स। रेनफॉल करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है बेटा, कि बारिश जो हो रही है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, पानी जो बारिश हो रही है वो ज्यादा तेजी से तो नहीं हो रही है, बारिश की इंटेंसिटी कम तो नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ रेनफॉल हमारा जो है इन्फिल्ट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट होता है उसको समझते हैं। मैंने मान लिया आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ध्यान सुनिएगा बेटा, ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सबर चाहिए, डिसिप्लिन आपको खुद बनाना है। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, कि जो आपका रेनफॉल हो रहा है उसकी इंटेंसिटी मान ली मैंने आई। इसी तरीके से मैंने मान लिया एफ क्या है, एफ इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, एफ इवेपोरेशन बोल रहे हैं, इवेपोरेशन नहीं गया अभी तक, एफ इज द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एफ इज द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का मतलब किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पानी किस रेट से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, और यहां पर मैंने मान लिया एफ सी क्या है, FC is the इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अगर हम केस नंबर वन की बात करें, ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तभी आगे आप इन्फिल्ट्रेशन के सवाल कर पाएंगे। केस नंबर वन ये बोल रहा हूं कि कोई एरिया है, उस एरिया में बारिश हो रही है, कोई एरिया है और उस एरिया में बारिश हो रही है, और उस बारिश की जो इंटेंसिटी है, मैंने क्या बोला, कोई एरिया है उस एरिया में बारिश हो रही है और उस बारिश की जो इंटेंसिटी है बेटा, वो जो मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, दैट इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, उससे कम है। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एरिया है, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे दिखा के मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। मैंने मान लिया ये फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया, ध्यान से देखिए, कोई एरिया है इस तरीके से, ये फॉर एग्जाम्पल कोई एरिया है, और ध्यान से देखिए यहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो आई से, मैंने मान लिया ये जो आई है वो आपका 10 सेंटीमीटर या 10 एमएम पर आवर है, कितना है 10 एमएम पर आवर है, और यहां पर मैं दिखा रहा हूं मैक्सिमम कैपेसिटी, यहां पर दिखा रहा हूं मैक्सिमम कैपेसिटी यहां लिख रहा हूं मैं, और एफ को आयरो से दिखा देता हूं। तो आप देखो जरा, अगर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, बारिश हो रही है 10 एमएम पर आवर से, और मैंने मान लिया इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 20 एमएम पर आवर, इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है कितनी है 20 एमएम पर आवर, तो जब ये 10 एमएम से पानी जब डालोगे, ये जो होल है इस होल की कैपेसिटी कितनी है
20 mm, ये एक घंटे में 20 mm निकाल सकता है, और आप डाल कितने रहे हो, आप डाल रहे हो 10 mm, तो होगा क्या, जैसे ही बारिश 10 mm पर आवर की आएगी, ये गड्ढा बहुत बड़ा है क्योंकि इसकी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही पानी आएगा वो झट से निकल जाएगा, वो झट से निकलेगा तो कौन सी रेट से निकलेगा बेटा, जिस रेट से आएगा उसी रेट से निकलेगा क्या, तो आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा वो कितना होगा, वो ऑब्वियस सी बात है जिस रेट से आपकी बारिश हो रही है उसी रेट के बराबर होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, मैंने कहा ये कोई कैचमेंट है, ये कोई कैचमेंट है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 10 mm पर आवर की थी, मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन 20 का था, तो आपका जब ये बारिश होगा, तो जब बारिश होगा तो इस केस में जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा वो ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल से ही आपका पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। और क्या कोई सरफेस रन ऑफ जनरेट हुआ, क्या कोई सरफेस रन ऑफ जनरेट हुआ, सरफेस रन ऑफ जनरेट नहीं हुआ। सरफेस रन ऑफ तो बेटा तब जनरेट होता ना जब इंटेंसिटी ज्यादा होती, अब तो जितने रेट से पानी आया उस रेट से पानी निकल गया। तो याद रखिएगा अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी सॉइल की मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम होती है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो उतना ही होता है जिस रेट से बारिश हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही होता है जिस रेट से बारिश होती है। और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन जिस रेट से बारिश हो रही है उसी रेट से इन्फिल्ट्रेशन होगा तो उस केस में सरफेस रन ऑफ जो जनरेट होगा वो कितना होगा, कोई भी सतह पर पानी जनरेट नहीं होगा, जो भी पानी सॉइल पर आएगा उसको सॉइल क्या करती जाएगी, सक करती जाएगी, सक करती जाएगी, सक करती जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, यस और नो? तो याद रखिएगा रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैसे जो है आपका जो है इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है, अगर रेनफॉल इंटेंसिटी जो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम है तो सारा का सारा पानी जो है इन्फिल्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है और आपका सरफेस रन ऑफ बिल्कुल भी जनरेट नहीं होता है, सरफेस रन ऑफ बिल्कुल भी जनरेट नहीं होता है। चलिए अब दिस इज द केस नंबर वन, दिस इज द केस नंबर वन, अब मैं केस नंबर टू की तरफ बढ़ रहा हूं, केस नंबर टू की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए केस नंबर टू क्या हो सकता है, केस नंबर टू क्या होता है, हो सकता है कि अगर अगर जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो जाए या इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि ये जो बारिश हो रही है वो 10 mm पर आवर की, बारिश 10 mm पर आवर से हो रही है और आपकी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, या फिर हम इसको बीसी मान रहे थे ना, इसको बीसी मान लेते हैं 20 mm पर आवर, और मैंने कहा अब ये जो बारिश है वो 30 mm से होने लगी, मतलब एक घंटे में 30 mm पानी यहां एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम एक घंटे में कितना निकल सकता है, 20 mm निकल सकता है। तो अगर हम पूछें कि व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, तो आप बोलोगे इस केस में जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा वो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके बराबर होगा, दैट इज 20 mm पर आवर। समझ आ रही है बात? तो अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर जो है आपका फील्ड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है, उस केस में जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा, उस केस में जो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन होगा वो किससे होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो आप एक बात बताओ, एक घंटे में 30 mm यहां पानी आया और एक घंटे में 20 mm निकल गया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एक घंटे में यहां पर कुछ ना कुछ पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा क्या, एक जैसे पाउंड जैसा बन जाएगा क्या, तो इसका मतलब ये याद रखिएगा जब भी रेनफॉल की इंटेंसिटी मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होगी या फिर रेनफॉल की इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है सॉइल की सतह पर कुछ ना कुछ पानी एक्यूमुलेट होगा जो कि समय के साथ बहना चालू कर देगा, और सॉइल के सरफेस पर जो पानी एक्यूमुलेट होता है उसी को बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर होगा और कब रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर होगा और कब सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा और कब सरफेस रन ऑफ जनरेट नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, जब रेनफॉल की इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से बेटा ज्यादा होगी उस केस में आपका सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा, और ऐसी कंडीशन का मतलब जब रेनफॉल की इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होती है, जब रेनफॉल की इंटेंसिटी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो सरफेस पर बेटा पाउंड बनना शुरू हो जाता है, पानी का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पाउंडिंग कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पाउंडिंग कंडीशन। देख रहे हैं आप, पीछे वाले केस में कोई पाउंड नहीं बना, क्यों,
क्यों पॉन्ड नहीं बना? तो आप देख रहे हैं कि रेनफॉल इंटेंसिटी हो रही है एक घंटे में 10 mm, और इसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो एक घंटे में 20 mm निकालने की है। लेकिन बेटा जब 20 mm आई नहीं रहा है एक घंटे में, तो 20 mm थोड़ी ना निकालेगा, फिर तो बेटा जितना आ रहा है उतना निकाल देगा। तो इसने एक घंटे में 10 mm निकाला, तो एक घंटे में 10 mm डाला तो 10 mm निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आया उतना निकल गया, तो सरफेस रन ऑफ जनरेट नहीं होगा, कोई भी पॉन्ड यहां पर क्रिएट नहीं होगा। पॉन्ड तभी क्रिएट होगा जब आने वाला पानी जाने वाले पानी से क्या है, ज्यादा है, तो सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पाउंडिंग कंडीशन, और सरफेस पे जो आपका पानी एक्यूमुलेट होता है उसको बोलते हैं पाउंड। और ये जो पानी क्रिएट हुआ, यही पानी जो है स्लोप के अलोंग मूव कर करके एक तरीके का जो प्रोसेस देता है उसको बोलते हैं सरफेस रन ऑफ या फिर डायरेक्ट रन ऑफ। दिस इज द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज पाउंडिंग कंडीशन। तो आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी कि आपकी जो है, अगर आपका रेनफॉल इंटेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा, तो उसके बेसिस पर आप जो है किस तरीके से जो है आप जो है एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से ज्यादा है या कम है तो क्या होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं जल्दी से थ्योरी की फॉर्म में ये बात लिखा देता हूं, है ना। किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे बेटा पहले फैक्टर की, दैट इज कॉल्ड एज रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको पॉइंट वाइज लिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाउंडिंग कंडीशन क्या होती है। तो लिख लीजिए जल्दी से, पहला पॉइंट लिखिए व्हेन द इंटेंसिटी when the intensity of rainfall i is less than infiltration capacity, then actual rate of infiltration F is equal to intensity of rainfall। पहली बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट लिखिए जल्दी से। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, when the intensity of rainfall is greater than infiltration capacity FC, is equal to infiltration capacity FC
यस और नो। आगे बढ़ते हैं जरा, फिर उसके बाद क्या लिख रहा हूं, इन दिस केस, इसी के आगे लिख रहा हूं, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस वॉटर विल स्टार्ट एक्यूमुलेटेड, इन दिस केस वॉटर विल, इन दिस केस वॉटर विल स्टार्ट एक्यूमुलेटेड, इन दिस केस वॉटर विल स्टार्ट एक्यूमुलेटेड ऑन द सॉइल सरफेस, accumulated on the soil surface, accumulated on the soil surface and leads to the generation of, and leads to the generation of, and leads to the generation of, leads to the generation of surface runoff, leads to the generation of surface runoff, leads to the generation of surface runoff. Such condition is also called as कौन सी condition? Such condition is also called as pounding condition. तो याद रखिएगा, pounding condition का मतलब कब है? जब intensity of rainfall infiltration capacity से क्या हो बेटा? ज्यादा हो। एकदम समझ में आ गया, वो तो देखेंगे बेटा, जब सवाल करेंगे तब पता चलेगा कितना समझ में आया। This is the first factor, ये पहला factor था जो कि infiltration को affect करता था। जैसे हमने evaporation के factor पढ़े थे, वैसे ही हम जो है infiltration का पढ़ने। Second factor, अब जो इतने factors है ना वो आसान है। द सेकेंड फैक्टर इज कॉल्ड एज सॉइल करेक्टरिस्टिक्स, है ना। इन्फिल्ट्रेशन इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा बेटा कि सॉइल कैसे नेचर की है। इन्फिल्ट्रेशन करेक्टरिस्टिक्स, आप मुझे बताइए, इन्फिल्ट्रेशन करेक्टरिस्टिक्स में एक सॉइल ड्राई सॉइल है और एक सॉइल वेट सॉइल है, एक ड्राई सॉइल है और एक वेट सॉइल है, तो आपका रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्राई सॉइल में ज्यादा होगा या रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वेट सॉइल में ज्यादा होगा? मैंने बताया ड्राई सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन कम है और वेट सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन बढ़ेगा, सॉइल की परमेबिलिटी घटेगी, तो रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी क्या होगा? घटेगा। तो एक ड्राई सॉइल का, पहली बात क्या, एक ड्राई सॉइल का रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन हमेशा एक वेट सॉइल से क्या होता है? ज्यादा होता है। दिस इज द फर्स्ट। दूसरी बात, अगर हम पूछें एक सैंडी सॉइल है और एक क्लेई सॉइल है, दोनों सॉइल पर सेम इंटेंसिटी की बारिश हुई और सेम समय तक हुई, तो एक सैंडी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा या फिर एक आपका जो है क्लेई सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा? मैंने क्या बोला, देखो हम जब भी, हमने पिछले बार भी बताया था कि जब हम एक फैक्टर पढ़ते हैं तो बाकी सारे फैक्टर को क्या मानते हैं? कॉन्स्टेंट। तो अगर हम सॉइल करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि रेनफॉल करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम है। तो एक ड्राई सॉइल पर भी सेम इंटेंसिटी की बारिश होगी और एक वेट सॉइल पे भी जब सेम इंटेंसिटी की बारिश होगी तो एक ड्राई सॉइल से इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा और एक वेट सॉइल से कम होगा। इसी तरीके से हम पूछें कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लेई सॉइल है और एक सैंडी सॉइल है, दोनों पर सेम इंटेंसिटी की बारिश हुई, तो एक सैंडी सॉइल से रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा या फिर आपका क्लेई सॉइल से ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे सर सैंडी सॉइल की परमेबिलिटी ज्यादा है और आपकी जो है क्लेई सॉइल की कम है, तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एक सैंडी सॉइल से क्या होगा? ज्यादा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपको यहां पर बात समझ में आ गई। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है बेटा? थर्ड फैक्टर इज कॉल्ड एज सरफेस कवर। सरफेस कवर का मतलब जो सरफेस है वो सरफेस कैसी है। वो सरफेस कवर जो है वेजिटल भी हो सकता है, मतलब वो सरफेस कवर में वेजिटेशन भी हो सकता है, या वो सरफेस कवर अर्बन एरिया का भी हो सकता है। अर्बन एरिया का मतलब आपका अगर वेजिटल होगा तो यहां पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, वेजिटेशन होंगे। अर्बन एरिया का होगा तो यहां पर जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी,
यहां पर बहुत सारे क्या होंगे, या यहां पर बहुत सारी पेव्ड सर्फेसेस होंगी। पेव्ड सर्फेसेस का मतलब रोड्स होंगे, एक्सप्रेस वे होंगे, तो अर्बन एरियाज। अब मुझे एक बात बता दो बेटा, एक बात बता दो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सरफेस कवर जो है वेजिटेशन है, अगर वेजिटल सरफेस कवर है, मतलब दो दो एरियाज हैं, एक एक एरिया का जो सरफेस है वो उसमें जो है वेजिटेशन है, और एक सरफेस एरिया के एक एक सरफेस एरिया ऐसा है जहां पर जो है बिल्डिंग्स हैं, पेव्ड सरफेसेस हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहां पर ज्यादा होगा, इन्फिल्ट्रेशन कहां पर ज्यादा होगा बताइए, इन्फिल्ट्रेशन कहां पर ज्यादा होगा, अर्बन एरिया में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा या फिर आपका रूरल एरिया में ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, तो रूरल एरिया में रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा या अर्बन एरिया में बताइए जरा, रूरल एरिया में ज्यादा होगा या अर्बन एरिया में, ऑब्वियस सी बात है बेटा आपका वेजिटल एरिया में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, ध्यान से देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कैचमेंट है, अगर ये मेरा कैचमेंट है, यहां पर क्या लगे हुए हैं, यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और एक कैचमेंट एरिया मेरे अर्बन एरिया का है जहां पर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है जब आपका यहां पर सेम इंटेंसिटी की सेम बारिश होगी और यहां पर भी सेम इंटेंसिटी की सेम बारिश होगी, दोनों सेम कैचमेंट एरिया है, तो यहां पर क्या होगा, इन प्लांट्स इन वेजिटेशन के बीच पानी क्या होगा, ज्यादा देर तक रुकेगा, यहां पर पानी के फ्लो होने की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, लेस होगी, और यहां पर बेटा सरफेस हार्ड सरफेस है तो यहां पर पानी के फ्लो होने की वेलोसिटी क्या होगी, मोर। तो जब पानी तेजी से फ्लो करेगा तो उसके पास कम समय बचेगा पानी को इन्फिल्ट्रेट होने के लिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है ये जो वेजिटेशन हैं वो इनको पानी को ऑब्स्ट्रक्शन देंगे, जिसके कारण इन ग्रासेस में, इन प्लांट्स में पानी थोड़ी देर तक रुकेगा, और जितनी ज्यादा देर तक रुकेगा सॉइल उतनी देर में ही पानी को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो याद रखिएगा अगर वेजिटल कवर जो है, अगर सरफेस कवर वेजिटल कवर है, तब उस केस में फ्लो वेलोसिटी कम हो जाएगी, पानी को ज्यादा समय मिलेगा इन्फिल्ट्रेशन होने के लिए, तो एक रूरल एरिया में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेजिटल एरिया। अगर बेटा इन्फिल्ट्रेशन, ध्यान से बताओ, अगर बेटा इन्फिल्ट्रेशन रूरल एरिया में ज्यादा होगा और अर्बन एरिया में इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है अर्बन एरिया में जो सरफेस रन ऑफ, अगर बेटा यहां पर इन्फिल्ट्रेशन, बेटा यहां पर मेरा क्या होगा, मोर, यहां पर इन्फिल्ट्रेशन होगा लेस, तो ऑब्वियसली बात है सरफेस, यहां पर जो सरफेस रन ऑफ जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, ज्यादा। अरे रेनफॉल तो दोनों जगह सेम हो रही है, यहां इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि यहां पर रोड्स हैं, पेव्ड सर्फेसेस हैं, आपने ऑलरेडी इनका कंस्ट्रक्शन करके सॉइल की परमेबिलिटी को भी कम कर दिया है, और साथ ही साथ क्या है कि यहां पर पानी की जो फ्लो करने की वेलोसिटी है वो ज्यादा भी है, तो पानी को समय नहीं मिल रहा है इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, तो इन्फिल्ट्रेशन यहां पर क्या होगा, लेस। लेकिन यहां पर फ्लो वेलोसिटी कम है, जैसे ही वो पेड़ से टकराता है, ग्रास से टकराता है पानी, तो ग्रास उसे वहीं पर रोक लेती है, तो ज्यादा समय अवेलेबल होता है हमारा इन्फिल्ट्रेशन के लिए, तो यहां पर इन्फिल्ट्रेशन होगा मोर, और यहां पर जब इन्फिल्ट्रेशन मोर होगा तो ऑब्वियसली बात है सरफेस रन ऑफ की वैल्यू कितनी होगी, सरफेस रन ऑफ की वैल्यू लेस होगी। तो आप मुझे बता दीजिए एक रूरल एरिया में फ्लड्स आने के चांसेस ज्यादा हैं या एक अर्बन एरिया में फ्लड्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, एक रूरल एरिया में फ्लड्स आने के चांसेस ज्यादा हैं या अर्बन एरिया में फ्लड्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, ऑब्वियसली बात है रूरल एरिया में कम पानी रिवर्स में पहुंच रहा है, तो उस रिवर में पानी जब कम पहुंचेगा तो उस रिवर का बेड लेवल भी कम बढ़ेगा, और जब बेड लेवल कह रहा हूं मैं, पानी का लेवल कम बढ़ेगा, जब पानी का लेवल कम पड़ेगा तो वो अपने बैंक्स को ओवरफ्लो नहीं कर पाएगा, तो फ्लड्स आने के चांसेस जो है गांव में कम है, लेकिन अर्बन एरिया में फ्लड्स आने के चांसेस ज्यादा है, अर्बन एरियाज में जो है पानी के एक्यूमुलेट होने के चांसेस ज्यादा है। कभी आपने दिल्ली विल्ली में देखा होगा, दिल्ली विल्ली जो है अर्बन एरियाज है और आपका गांव है, कभी आपने अपने गांव में देखा कि भाई साहब ऐसा हुआ कि भाई गांव बह गए, है ना, गांव आपके जो है डूब गए, कभी ऐसा हुआ, लेकिन दिल्ली में देखते हो आप जब बारिश, थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, तो क्या होता है कि आधी की आधी बसें भर जाती हैं, क्यों भर जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो कम है, तो जिसके कारण सरफेस रन ऑफ ज्यादा जनरेट होता है, जिसके कारण वहां पर फ्लड्स आने के चांसेस, किसी भी चीज को डुबाने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। समझ आ रही है बात, तो याद रखिएगा सरफेस कवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करता है। तो अब देखिए जरा, इफ द सरफेस कवर, फिर मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा,
इफ द सरफेस कवर, इफ द सरफेस कवर इज ऑफ, इफ द सरफेस कवर इज ऑफ वेजिटल मैटर, इफ द सरफेस कवर इज ऑफ वेजिटल मैटर, इफ द सरफेस कवर इज ऑफ वेजिटल मैटर देन देन इट इंक्रीजेस, देन इट इंक्रीजेस, then it increases the, then it increases the infiltration, then it increases the infiltration. फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, then it increases the infiltration by retarding, infiltration by retarding, by retarding or decreasing, by retarding the, by retarding the surface flow velocity, by retarding the surface flow velocity. By retarding the surface, by retarding the surface flow velocity. जैसे ही velocity कम होगी ऑब्वियसली बात है पानी के बाद ज्यादा समय होगा इन्फिल्ट्रेट करने के लिए. तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ग्राउंड वाटर टेबल गांव की ज्यादा उठी हुई होगी, ग्राउंड वाटर टेबल का एलिवेशन गांव का ज्यादा होगा, रूरल एरिया का ज्यादा होगा या शहरों का ज्यादा होगा? ग्राउंड वाटर लेवल गांव का ज्यादा होगा या फिर शहरों का ज्यादा होगा? सही बोल रहे हैं. देखिए ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो गांव का ज्यादा होगा क्योंकि इनफिल्ट्रेशन वाटर क्या करता है, अल्टीमेटली एक्वीफर को रिचार्ज करता है. तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है गांव में ज्यादा होगी और आपकी ज्यादा गिरी हुई कहां पर होगी? शहरों में. तभी तो ये बोलते हैं कि आप जो है आप शहरों में बोरिंग्स वगैरह नहीं करिए. क्यों? बोरिंग्स करने का कारण क्या है कि अगर आपने, हर इंसान ने अपने घर जो है बोरिंग कर लिया तो ऑब्वियसली बात है ग्राउंड वाटर टेबल ऑलरेडी पानी इनफिल्ट्रेट नहीं कर रहा है बेटा. तो जब पानी ऑलरेडी इनफिल्ट्रेट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी वाटर टेबल बहुत नीचे है, तो अगर आप अपने हर घर घर हर हर बंदा जो है बोरिंग करा लेगा तो ग्राउंड वाटर टेबल और ज्यादा क्या हो जाएगी, ग्राउंड वाटर टेबल और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी. और अगर ग्राउंड वाटर ज्यादा डिक्रीज हो गई तो इट विल लीड टू मैनी, वहां पर जो है ड्रॉट्स आने के चांसेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी. लेकिन गांव के केस में ऐसा नहीं है. गांव गांव में आपने देखा होगा हर घर के पास बोरिंग है. क्यों? क्योंकि गांव में जो है सरफेस कवर वेजिटेशन होता है जिसके कारण इन्फिल्ट्रेशन होता है और इन्फिल्ट्रेशन जो है ग्राउंड वाटर टेबल को या फिर एक्वीफर को रिचार्ज कर देता है, ग्राउंड वाटर टेबल या एक्वीफर को रिचार्ज कर देता है. तो बेटा ये सारे आपके फैक्टर्स थे जो हमारे इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर था इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दूसरा फैक्टर था आपका सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा फैक्टर था कि वो जो पानी है वो किस सॉइल सरफेस से इन्फिल्ट्रेट कर रहा है. क्या वो सॉइल सरफेस अर्बन एरिया का है या फिर वो सॉइल सरफेस आपका जो है वेजिटल एरिया का है. ये तीन फैक्टर्स आपको याद रखने, इनके ऊपर सॉइल की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज, सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन. इसको शुरू करते हैं बेटा, हम मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन को शुरू करते हैं. जैसे हमने इवेपोरेशन को मेजर करने के तरीके देखे थे, उसी तरीके से जो है आपके इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के भी कई सारे तरीके हैं. जिस तरीके से हमने बेटा क्या करा था, जिस तरीके से हमने बेटा इवेपोरेशन इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर किया था, उसी तरीके से जो है आपके इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के भी कई तरीके हैं. व्हाट आर द मेजर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन? इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने के कई तरीके हैं. पहला जो मेथड है इन्फिल्ट्रेशन को मेजर करने का, इट इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स. सबसे पहले मेथड्स हैं इंपेरिकल मेथड्स. इंपेरिकल मेथड्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे इंजीनियर्स ने क्या किया है, समय के साथ
बहुत सारे जो है इंपेरिकल फॉर्मुलेज ड्राइव किए हैं जिसकी मदद से हम जो है इनफिल्ट्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा मेथड है जिसकी मदद से हम इनफिल्ट्रेशन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस। इसमें हम पढ़ेंगे फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स। तीसरा जो मेथड है दैट इज एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी एरिया का इनफिल्ट्रेशन नोट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रोमीटर, है ना। तो इंपेरिकल इक्वेशंस को हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी इंपेरिकल इक्वेशंस हैं जिनके मदद से हम इनफिल्ट्रेशन निकाल सकते हैं। तो वेरियस इंपेरिकल इक्वेशंस विच आर यूज टू कंप्यूट द इनफिल्ट्रेशन आर, पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन एम्प्स मॉडल। द फर्स्ट मॉडल इज कॉल्ड एज ग्रीन एम्प्स मॉडल, जिसकी मदद से आप नाम याद रखने केवल आपको इनके, है ना, डायरेक्ट पूछ रहे थे ऑब्जेक्टिव में। द सेकेंड मेथड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन द इनफिल्ट्रेशन इज हगिंस मोंगा इक्वेशन। द थर्ड मेथड विच इज रिस्पॉन्सिबल विच इज यूज टू डिटरमाइन द इनफिल्ट्रेशन इज सोशल कंजर्वेशन इक्वेशन। एंड द लास्ट मेथड विच इज यूज टू डिटरमाइन द इनफिल्ट्रेशन इज द हॉटन्स कर्व। हमें ये जो तीन मेथड्स हैं इनके केवल नाम याद रखने, इन मेथड्स को डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें केवल और केवल एक ही मेथड को डिटेल में पढ़ना है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज हॉटन्स कर्व। वो हॉटन्स कर्व हम लोग बेटा क्या करेंगे, उस हॉटन्स कर्व को कल हम अच्छे से करेंगे कि हॉटन्स कर्व क्या होता है और कैसे हम हॉटन्स कर्व की मदद से अलग अलग गेट और बाकी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कल हम हॉटन्स कर्व करेंगे और इनफिल्ट्रेशन एनालिसिस भी शुरू करेंगे, है ना। आज की क्लास हम यही शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि आज आपके बेटा दो टेस्ट हैं, उन दो टेस्ट में आपको बहुत बढ़िया सवाल दिए जाएं, इसलिए जो है आज की क्लास हम यही कर रहे हैं ताकि आपके पास सफिशियंट समय हो उसको अच्छे से करने का। इसलिए मैं आज थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूं क्योंकि उन दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट को तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए मैं कम पढ़ा रहा हूं ताकि आप टेस्ट की तैयारी करें और सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और पहली रैंक जो है अचीव करने की कोशिश करें। दो टेस्ट हैं, पहला टेस्ट जो है 5 PM पर है बेटा, जो कि सोम के पहले चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन प्लस सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरा टेस्ट जो है आज जो है 9 बजे है, उस 9 बजे में आपकी पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन नहीं, पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स के सवाल होंगे और देखेंगे कि आज कौन जो है उस टेस्ट को टॉप करेगा। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में और जो भी ग्रुप्स हैं उनमें सब में आपका लिंक भेज दूंगा। मैं इसीलिए क्लास आज कम पढ़ा रहा हूं, आपको थोड़ा सा कम लोड दे रहा हूं क्योंकि हॉटन्स कर्व थोड़ी से समझने वाली चीजें हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स थोड़े ट्रिकी आते हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं आगे, तो कि आपके दो टेस्ट हैं उसमें आप जो है तैयारी करिए। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय टेस्ट की तैयारी करिए ताकि आपने जो पढ़ा है, जो भी आप आसपास में आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें आप जो है उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके, उसका सिलेबस कवर हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर बेटा जो है आपका सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा कोड ES001 यूज कर सकता है। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई वॉन्ट एवरी वन टू बी इन दीज टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आएंगे अगर टेस्ट में, जिस भी ग्रुप में है, चाहे टेलीग्राम में है, चाहे व्हाट्सएप में है, जिस भी ग्रुप में आप बेटा, सब में उस लिंक को शेयर करिएगा। अभी मैं लिंक शेयर करना शुरू कर रहा हूं, आप जो है टेस्ट में एनरोल कर लीजिएगा। मैं लिंक भेजूंगा, उस लिंक में जाकर आप टेस्ट में एनरोल कर लीजिएगा। उसके बाद हम 5 बजे और 9 बजे टेस्ट करेंगे। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे, अगर 500 बच्चे आएंगे तो और बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि आपको 500 बच्चों में रैंक का पता लगेगा। अगर 1000 बच्चे आएंगे तो 1000 बच्चों में आपको जो है रैंक का पता लगेगा। तो जितने बच्चों तक आप भेज सकते हैं उतना फायदा होगा आपको। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको यह पता लगेगा कि आप एक्चुअली इन 500 बच्चों में स्टैंड कहां कर रहे हो। 5, 10, 15 बच्चों में तो बेटा कोई भी कहीं पर भी फर्स्ट रैंक ला सकता है। मैं चाहता हूं कि 500 से 1000 बच्चे हों और फिर हम देखें कि आप में से कौन सा वो स्टूडेंट है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। टॉप 3 स्टूडेंट्स को मैं जो है आपको जो है टॉप 3 स्टूडेंट को कोशिश करूंगा कुछ रिवॉर्ड देने की, लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट को तो देख रिवॉर्ड करेंगे ही कि कौन वो फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने जो है सोम के टेस्ट में और सॉइल मैकेनिक्स के टेस्ट में टॉप किया है। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना, और आज 5 और 9 बजे जरूर आइएगा टेस्ट में। थैंक यू सो मच। कीप रिवाइजिंग, कीप राइजिंग,